राम राम। इंडिया गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि इस नाम का एजेंट सलीम शेख है जो डीडवाने का रहने वाला है, उसका कार्यालय डीडवाना में है। हिब्बा एक्सपोर्ट नाम की उसकी ऑफिस है। उसका मोबाइल नंबर है जो हमारे से दानाराम 1,10,000 रुपये दिए, मंदन ने 1,30,000 रुपये दिए, और रणजीत ने 80,000 रुपये दिए, और राहुल ने 80,000 रुपये दिए, और विशाल वर्मा ने 80,000 रुपये दिए, पप्पू राम ने 1,00,000 रुपये दिए। हमको एयरपोर्ट पे लाकर छोड़ दिया। इंडिया से बोल कर लाया कि आपको दुबई में 2 साल का वीज़ा है, लेकिन ये वीज़ा विजिट था जो 1 महीने का था। हम 20 दिन से परेशान हैं, हमारे पासपोर्ट का पता नहीं है, इंडिया से आने के बाद खाना भी नहीं खाया है। आप इंडिया गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द मदद किया कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। आदाब और प्रणाम। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो दिखाया इसलिए कि जो लोग आते हैं टूरिस्ट वीज़ा में, जो टूरिस्ट यानी घूमने का वीज़ा पे, भाई मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे जो घूमने आते हैं वो ऐसा ही होता है, क्योंकि एजेंट वहाँ बोलते हैं आपको कि हम काम लगा देंगे आपको 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, लेकिन वो काम नहीं लगा पाते हैं, और बाद में आके लोग यहाँ फंस जाते हैं, फिर गुहार लगाते हैं या मदद मांगते हैं कि हमें इंडिया भेजो, वापस बुला लो। तो भाई ऐसा बहुत कम ही होता है, और अपनी सरकार जो है इतनी अच्छी नहीं जो आपको इतनी जल्दी कोई बात सुन ले, समझे। तो पहले आपसे यही मैं विनती करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा या जो भी करूँ, तो पहले आप आइए, तो सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा पर बिल्कुल मत आइए, बहुत ही कम चांस होते हैं, 100% में 50% ऐसा चांस होता है जिसका काम टूरिस्ट वीज़ा में आकर यहाँ लग जाता है, और 50% लोग का फेल हो जाता है, या उनके पास 3 महीने का टाइम होता है, वो अपना आकर 3 महीना जिसी तरह भी बिताएं, उसके बाद उनको जाना होता है। अगर 3 महीने के अंदर आपको काम लग गया तो आपका ठीक है, नसीब ठीक है, आपका काम हो जाता है। तो आप भाई थोड़े पैसे के लिए क्यों अपने आप को रिस्क में या किसी जंजाल में फंसाने के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं। आपको टूरिस्ट वीज़ा भी 30,000 से 40,000 में लगता है, और जो ओरिजिनल वीज़ा होता है, जो काम का वीज़ा होता है, वो भी आपको 70,000 से 75,000 में बिल्कुल ओरिजिनल वीज़ा, जो काम का वीज़ा होता है, जिसमें आपको कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो आप बिल्कुल फ्री होकर आ सकते हैं। तो आप 30,000 रुपये के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दूसरा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो ये आपका नसीब है कि आपका लगता है या नहीं। कितने लोग बुला लेते हैं, दोस्त है, जैसे मैं दुबई हूँ चाहे सऊदी हूँ, बुला लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, बाद में हम उनके लिए काम ढूंढते हैं, अगर काम मिल गया तो हम उसको काम पर लगा देते हैं, अगर काम नहीं मिला तो आपका पैसा भी व्यर्थ हो जाएगा और आप वापस आपको जाना पड़ेगा। तो आप रिस्क मत लें। और दूसरा, एजेंट जो आपको टूरिस्ट वीज़ा पर 1,00,000, इस वीडियो में वो भाई बता रहा है, उसका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, वो बता रहा है कि 1,80,000, 1,10,000 एजेंट ने लिया है, लेकिन ये गलत। 30,000 से 40,000 में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है टिकट के साथ, घूमने फिरने जहाँ भी जाओ आप, तो ये आपको गलत है। किसी एजेंट से आपको, अगर कोई एजेंट आपसे पैसा ज़्यादा मांगता है तो उससे आप पूछें, इससे अच्छा है आप वर्क वीज़ा लेकर आए, टूरिस्ट वीज़ा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े, नहीं तो यही हाल होगा जो भाई लोग आके यहाँ फंस जाते हैं, बाद में गुहार लगाते हैं, हमें इंडिया बुला लो, हमें यहाँ बुला लो, हमें वहाँ बुला लो। भाई ऐसा काम मत करो, काम करो, 10 पैसा ज़्यादा लगे, 20 पैसा ज़्यादा लगे, अच्छा काम करो और निश्चिंत रहो, दिल को सुकून मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग से भाई लोग, दोस्त लोग, कि आप लोग आते हो तो जिस एजेंट से आओ, कोई भी एजेंट हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या अगर जानकारी नहीं है तो उसके बारे में पता करो, और पैसे के बारे में आप बिल्कुल उससे डट के बात करो कि हमें इतना लगता है, इतने में हमें जाना है तो भेजो, नहीं तो लालच में बिल्कुल मत करो। तो भाई वीडियो लंबा हो रही है, मेरी वीडियो को ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं क्योंकि मैं बकवास ज़्यादा करता हूँ इस करके, लेकिन मैं जो अपडेट डालता हूँ भाई वो बढ़िया डालता हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं डालता हूँ। मैं पैसे के चक्कर में वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो रोज़ एक वीडियो फ्लाइट पे, ये वो वगैरह पे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है मैं वो बनाता हूँ,
बाकी आप लोग की पसंद है। तो दोस्त उस एजेंट के बारे में पूरा जानकारी करके आओ, किस ऑफिस से आ रहे हो उसके बारे में जानकारी करके आओ, यानी पूरा डिटेल करो। उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो जो वीज़ा है, जैसे हम टूरिस्ट वीज़ा तो जानते हैं कि घूमने का होता है, लेकिन जो हम वर्क वीज़ा यानी काम वाले वीज़ा को लेके आते हैं, तो उस वीज़े को आप पहले चेक करो वो वीज़ा फेक है या सही है, उसके बाद उसको पैसा दो, एजेंट हो या ऑफिस। और मैं आप लोग को एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर आप वर्क वीज़ा में आते हो तो 60 से 70, 70 से 75 हज़ार एजेंट थ्रू लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा पैसा आप मत दो। अगर कोई मांगता है तो आप अपने को दूसरा एजेंट देखो, दूसरा ऑफिस देखो, पैसा बर्बाद मत करो। तो मेरी यही छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोग को समझ में आती है तो धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।